दोस्तों नमस्कार, आज मैं बनाऊंगा आपके लिए लेमन चिकन। ये मैं चाइनीज से बना रहा हूँ, गेस्ट के डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन का ऑर्डर है। और मैं अभी इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो लेबनीज और कॉन्टी, मैक्सिकन, इंडियन, तंदूर, चाइनीज और बेकरी का भी और स्वीट का जो भी डेजर्ट्स हो गए सारा मैं आइटम्स धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ, अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल एक प्लेटिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद भी मैं लेमन चिकन का प्रोसेस बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो अपने खीरे का ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, ये खीरे का साइज काटा मैंने। उसके बाद मैं खीरे का साइड से हल्का हल्का साइड में, ठीक है ना, ऐसे साइड में लगाऊंगा। खीरे का हो गया, बेल पेपर पड़ा है इसको साइड कटिंग, ठीक है ना। ये प्लेटिंग करूंगा मैं सबसे पहले, गेस्ट को पहले अच्छा दिखने भी चाहिए ना। तो हम प्लेटिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अच्छा बना रहे हैं, एक लुक वाइज बेस्ट जो प्रेजेंटेशन हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चलता है। अभी तो मैं कई चीज़ें सिखाऊंगा, जो मेरे होटलर भाई है ना वो कई चीज़ें सीखेंगे मेरे से। फिलहाल कभी चाइनीज़, कभी इंडियन, कभी तंदूर, कभी मैक्सिकन, कभी लेबनीज और बेकरी आइटम्स वगैरह, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ जाता है और सीखने को भी मिल जाता है। यही चीज़ हम कॉलेज में भी बताते हैं, सिखाते हैं वहाँ पर कॉलेज में, ठीक है ना। चलो ये प्लेटिंग हमारा तैयार है, ठीक है। अब थोड़ा सा गेस्ट ज़्यादा इंप्रेशन होगा करके मैं इसमें क्या बना रहा हूँ, एक आते थोड़ा ऐसा रखे में दिल से बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इनके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले लेमन काटूँगा, ठीक है ना। दो लेमन काटूँगा मैं और ये लेमन स्लाइस, ये लेमन स्लाइस जो मैं प्रेजेंटेशन के लिए डालूँगा, ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूँगा। और प्लस लेमन चिकन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने इसका जूस, ठीक है, ठीक है ना जी सर। ये बहुत कम बैठ रहे हैं, इनको मैं प्लेटिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लेटिंग बहुत अच्छे से करूँगा मैं, ठीक है। हल्का सा कट मारना हमने नीचे से, फिर हल्का सी इसकी दो परत होती है ना, ये दो परत होती है, इसको हमने यूँ करा, फिर घी से एक कट और मार दो। ये टमाटर का ये हमने बना दिया, टमाटर का बहुत अच्छा लगता है ये डिश में, जस्ट खुश होता है हमारे की प्रेजेंटेशन अच्छा करके, ठीक है ना। अब मैंने दो जो है 200 ग्राम चिकन ले रखा है, ठीक है, लेमन चिकन के लिए 200 ग्राम चिकन ले रखा है। अब मैं इसके पीसेस बनाऊंगा। लेमन चिकन में क्या है कि तंदूर और चाइनीज़ में जितना हो सके थाई का पीस, ये थाई का पीस है ना, थाई का पीस, ये बहुत टेस्टी होता है। बाकी ब्रेस्ट पीस जो होता है तो रबड़ बन जाता है, रबड़ चबाना पड़ता है उसको, ठीक है। हमने पहले से साफ रखा है और एक इसमें हल्का सा हड्डी होती है, साफ करना ज़रूरी है, नहीं तो ये जस्ट के मोबाइल लगे तो कंप्लेंट हो जाती, ठीक है। अब मैं ऐसे पीस बना रहा हूँ इसको, हल्का इसको लंबे लंबे पीस बनाऊँगा, ठीक है, सेम ऐसे। चलो ये चिकन मेरा रेडी हो गया है और मैंने जूस रेडी कर चुका है, रेडी कर चुका हूँ। और मैंने लहसुन चॉप कर रखा है, ठीक है। मैं प्याज चॉप करूँगा इसके लिए, प्याज चॉप करूँगा अपना, ठीक है ना। अब ये मैंने चिकन काट लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एग तोड़ूँगा, ठीक है ना। ये एग इसलिए तोड़ रहा हूँ कि चिकन को मैरिनेशन करूँगा इसमें,
मैरिनेशन करूँगा इसमें, ठीक है। इससे क्या है कि चिकन एकदम सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। हल्का सा इसमें मैं चाइनीज नमक डालूंगा इतने मोटो, और इसमें डालूंगा ये नमक साल्ट डाला, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, हल्का सा जो नींबू का है नींबू का जूस भी डालूंगा इसमें, और इसमें डालूंगा कॉर्नफ्लोर, अरारोट डाल दिया इसमें, कॉर्नफ्लोर डाला मैंने, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं इसको मिक्स करूँगा, ये कर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, कोई मैदा भी नहीं डालना इसमें, खाली हमने कॉर्नफ्लोर डाला तो हमारा चिकन का मैरिनेशन रेडी हो गया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये हमारा मैरिनेशन रेडी है। चलो गैस ऑन कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले आऊँगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें गैस ऑन कर रहा हूँ मैं, हल्के हाथ में सेकूँगा इसको, ठीक है, मैरिनेशन करेगा ये। मैं धीरे धीरे इसमें डालूँगा, अब वो तैयार हो गया, ठीक है। ये हमने लंबे लंबे पीस काट रखे हैं, डाल दिए, अच्छा करके डाल दो, बहुत बढ़िया। अच्छा देख कितने अच्छे से पका रखा हमने, एकदम मैरिनेशन बढ़िया आ रखी है इसमें। कुछ नहीं डाला हमने, कॉर्नफ्लोर डाला, यही डाल रखा है, अलमी मटर डाला, नमक डाला, एक चाइनीस जो है हमारा क्या बन रहा है, लेमन चिकन। अभी मैं इंडियन से भी बताऊंगा लेमन चिकन कैसे बनता है, क्योंकि हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा होगा ये अपने साथ ही। ये लो जी, ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है ना, ये ठीक है। अब मैं कढ़ाई में दिखा रहा हूँ, चलो अब तो मैं अपना कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा इसमें इसका बैटर बना लेता हूँ, ताकि मैं जो उसमें लेमन चिकन में डालूंगा ना, ये लेमन चिकन में डालूंगा उसको मैं, ठीक है। ये मैंने रेडी कर लिया, तैयार कर, चलो अब बनाता हूँ। ये मैंने फायर ऑन करा, ठीक है, पर इसमें डाला मैंने क्या, ऑयल, ऑयल बहुत कम यूज़ होता है चाइनीज़ में, ये नॉर्मल खाना है, सबसे नॉर्मल आइटम है चाइनीज़ में लेमन चिकन, जैसे जैसे स्पाइसी नहीं लेना है और बिल्कुल हल्का खाना है जिसको बोलते हैं हल्का एकदम, वो चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा क्या, गार्लिक, गार्लिक और ऐसे खाने, उसके बाद मैंने ये डाला इसमें अनियन, सॉप अनियन, ठीक है। अनियन की मसाला थोड़ा बढ़ा के करूँगा मैं, बस कोई मसाला नहीं है ज़्यादा पानी इसमें, और मैंने ये डाला, उसके बाद मैं रेडी कर दूँगा अपना हल्का से इसमें आकर मलिका डाला, पानी डाला, पानी डालने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें डालना है ये नमक डाल दिया मैंने, ठीक है। नमक के बाद मैंने डाला अजीना मटर, ये अजीना मटर डाला, और कुछ नहीं, कोई मसाला नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालना मुझे, पानी हल्का कम होता है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद डाला मैंने क्या इसमें, ये लेमन जूस, लेमन चिकन चाइनीज, ठीक है जी, रेडी करा, उसके बाद मैंने ये डाल दिया चिकन, चिकन डाला, चिकन को थोड़ा सा बहुत मारा, उसके बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने अच्छे से, ताकि हल्का लटका हो जाए, ज़्यादा नहीं, तो कितना अच्छा बना है लेमन चिकन, ये लेमन चिकन मेरा रेडी है, बाकी हमने कुछ ऐड नहीं करा, ठीक है। अब मैं इसको सर्व कर दूँ, ये मेरा लेमन चिकन रेडी है, देखो कितना अच्छा बनना है, ठीक है ना। जस्ट लिए है लेमन बेजिस डालूंगा, ठीक है ना, ये मेरा प्रेजेंटेशन के लिए भी है लेमन चिकन, और ऊपर से मैंने डाल दिया बेल पेपर, ठीक है ना। गेस्ट का ऑर्डरिंग हमारा तैयार हो गया, लेमन चिकन डन।